आज हमारे पास एक पाइप की कंपनी से वैकेंसी आया हुआ है, जहाँ पे आपको हेल्पर का पोस्ट मिल रहा है, आपको ऑपरेटर का पोस्ट मिल रहा है, आपको सुपरवाइजर का पोस्ट मिल रहा है और आपको टेक्नीशियन का पोस्ट मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं ये पोस्ट में से किसी भी चीज़ में ज्वाइनिंग करना, तो बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं और इसके कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर आपका नोटिफिकेशन हमारे पास आता ही नहीं, तो सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी तो नोटिफिकेशन जाएगा। बहुत सारा वैकेंसी आता है, उसका अपडेट आपको कैसे मिलेगा, बस जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे वीडियो। तो आज जो हमारे पास वैकेंसी है वो फतुहा में पाइप की कंपनी से आया हुआ है। फतुहा कहाँ पे है, तो बिहार के पटना जिला में कहीं पे फतुहा नाम का शहर है, वहाँ पे एक पाइप की कंपनी है जहाँ पे एक हेल्पर का पोस्ट है, ऑपरेटर का ही बहुत सारा पोस्ट है, सुपरवाइजर का ही बहुत सारा पोस्ट है और टेक्नीशियन का भी पोस्ट है। अब जो टेक्नीशियन में जॉब करना चाहेंगे, टेक्नीशियन में जॉब करने के लिए तो आपके पास आईटीआई या डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो हेल्पर का पोस्ट है, ऑपरेटर का पोस्ट है, सुपरवाइजर का पोस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अनपढ़ भी हैं तो भी आपका हेल्पर में आपका ज्वाइनिंग वहाँ पर हो जाएगा। एज रिक्वायरमेंट है आपका इसमें 18 साल से 35 साल, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ आईटीआई अगर किए हुए हैं तभी टेक्नीशियन में उनका हो पाएगा। बाकी हेल्पर, ऑपरेटर या सुपरवाइजर इसमें सिर्फ और सिर्फ वॉयस कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी में आपको अच्छी सुविधा दी जा रही है, रहने खाने का सुविधा। जो लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे रहने खाने का सुविधा चाहिए, रहने खाने का सुविधा कंपनी में चाहिए, खुद का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत सारा वैकेंसी है, इसमें आपको जॉब मिल जाएगा। रहने खाने का व्यवस्था है, प्लस आपको 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे ड्यूटी करना है, काम करना है, और प्लस आपको इसमें ओटी भी मिल रहा है। अगर आप ओटी करना चाहते हैं तो 220 रुपये का ओटी आपको पर डे मिलता है। 220 रुपये का ओटी पर डे, अगर मान के चलिए कि 1 घंटा भी करते हैं तो 220 रुपये पर डे पॉकेट में। सैलरी मिल रहा है 18,200, 18,200 हेल्पर का है, बाकी सुपरवाइजर का 19,500 है और टेक्नीशियन का मान के चलिए कि 20,000 से 21,000 के बीच में, पूरी तरह से मेंशन नहीं बताया गया है, 20,000 से 21,000 के बीच में बताया गया, ठीक है। फिर मान के चलिए 20,000 भी है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा जॉब है ये आपके लिए। और जो लोग कमेंट करते हैं कि सर मुझे पटना बिहार में जॉब चाहिए, पटना बिहार में जॉब चाहिए, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पाइप की कंपनी है, पाइप वगैरह का वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पर हेल्पर, ऑपरेटर, सुपरवाइजर और टेक्नीशियन की कम से कम तो 40 से 45 क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। टोटल पोस्ट मिला के 40 से 45 क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहते हैं इसमें ज्वाइनिंग करना तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको आपको यहाँ से लाइक कर देना है और कंपनी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हमारी कंपनी में किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है, तो इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हैं। यहाँ पर आपको मोड़ वाले ऑप्शन पर आ जाना है और ऊपर में आपको सबसे ऊपर में वेबसाइट का लिंक दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप हमारी कंपनी के वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे ही आप हमारी कंपनी के वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ साइड में आपको जो भी हमारी कंपनी में वैकेंसी वगैरह आते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अपने रिगार्डिंग आप यहाँ पे कोई भी वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो हमारे पास वैकेंसी चल रहा है वो मारुति सुजुकी में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप किस जॉब के लिए, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब मान के चलिए कि आप किसी और जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो ही वैकेंसी आपको आएगा यहाँ लाइन बाई लाइन आपको सारा डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी इसके पहले मॉल में यहाँ पे सेल्समैन का पोस्ट था, तो यहाँ पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई नाउ पे जाके, और यहाँ पे आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मारुति सुजुकी है, यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आपको ऊपर में सबसे पहले आपका नाम टाइप करना है, ठीक है। ऊपर में अपना नाम टाइप कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर नाम टाइप कर लेता हूँ। जो भी आपका पूरा नाम है यहाँ पे पूरा नाम टाइप कर लीजिएगा, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है वो एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल लीजिएगा, तभी आपको हमारी कंपनी की तरफ से कॉल बैक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप 10th पास है, 12th पास है या ग्रेजुएशन है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जॉब रोल, यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर ये जॉब रोल क्या होता है। यहाँ पर ये होता है कि आप मान के चलिए कि सेल्समैन में काम करना चाहते हैं, यहाँ पे सेल्समैन लिख लेंगे, ठीक है।
अब मान के चले कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर लिख लेंगे, या फिर हेल्पर में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे हेल्पर लिख लेंगे। अगर मान के चले किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं किसी भी पोस्ट पर, तो वहाँ पर आपको पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। बस यही काम आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस पे आना है और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। पूरा एड्रेस फिल करने के बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है। पहले आप इस फॉर्म को पूरा चेक कर लीजिए कि कहीं पे कोई छूटा हुआ नहीं है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको हमारी कंपनी की तरफ से कॉल बैक जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें क्योंकि आपसे पहले भी बहुत सारे लोग अप्लाई किए हुए हैं, तो आपको भी कॉल जाएगा और आपका इंटरव्यू कराया जाएगा।